आज ये 8वां स्टेट डेफ गेम्स कंपटीशन वाराणसी में शुरू हुआ है, जिसमें कि एथलेटिक्स, कुश्ती, बैडमिंटन तीन गेम्स हैं और करीब 200 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 10 या 12 जिलों के बच्चे आए हुए हैं पूरे मंडल के, जिसमें मेन है कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, इस तरह से करीब 200 बच्चे इकट्ठा हुए हैं और अलग अलग प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो बच्चे बनारस के हैं, करीब 30 बच्चों को मैंने 2 महीने से ट्रेनिंग दिया है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये अभी एक बच्चे का 2nd प्लेस भी पड़ा है, तो मेडल भी आना शुरू हो गया है। तो एक नई शुरुआत है बनारस, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की प्रतियोगिता। दिव्यांग बच्चे हैं आपके? ये बच्चे डेफ हैं, यानी कि मूक बधिर, न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं। तो सबसे डिफ़िकल्ट काम है इनके साथ कोऑर्डिनेट करना, इनको ट्रेनिंग देना, इनको समझाना, क्योंकि हम जो सुनता है तो उसको आराम से बोल सकते हैं। कितनी दिक्कत करनी पड़ती है लोगों को समझाना? दिक्कत शुरू में हुई, थोड़ा सा एक हफ्ता लगा इनके साथ फ्रेंडशिप करने में, लेकिन अभी ये लोग बहुत अच्छे मेरे दोस्त बन गए, तो जो भी कुछ बातें होती तो इशारे से ही समझ जाते हैं और मैं भी इनकी बातें अब समझने लगी हूँ। तो थोड़ा सा इनके साथ टाइम देना पड़ता है, समझना पड़ता है। एथलेटिक्स के सारे इवेंट हैं, 100, 200, 400, 800, 1500, 10000, लॉन्ग जंप, थ्रोज के सारे इवेंट हैं, साथ में कुश्ती और बैडमिंटन। तो ये जूनियर सीनियर दो एज ग्रुप में हो रहा है, जूनियर में अंडर 18 और सीनियर में अबव 18। तो बहुत ही अच्छा कंपटीशन है मेरे ख्याल से, पूरे जो भी देख रहे हैं लोगों को आके देख के इनका हौसला बढ़ाना चाहिए और सब बच्चे अपनी खुशियाँ दिखाएंगे, बच्चे